हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण, आप सभी का हम सभी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं बहुत। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको झटपट गार्लिक ब्रेड बनाना सिखाने वाला हूं, पिज्जा हट और बिल्कुल डोमिनोज जैसी गार्लिक ब्रेड। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, मात्र 5 मिनट में आप इस गार्लिक ब्रेड की रेसिपी को बहुत आराम से अपने घर पे पका सकते हो विदाउट माइक्रोवेव ओवन। ओके, तो चलिए रेसिपी की तरफ आपको ले चलता हूं और अगले 5 मिनट में हमारी गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हो जाएगी मार्केट जैसी बिल्कुल। सो गाइस, यहाँ पर गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले तो जो हमें सामान लेना है वो आप देख लो, यहाँ पर कुछ मैंने सामान लिया हुआ है, बहुत ही कम आइटम की यहाँ पर हमें जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने गार्लिक ब्रेड लिया हुआ है। इस गार्लिक ब्रेड, ये स्पेशल ब्रेड है, मार्केट में स्पेशली गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए ही ये ब्रेड अवेलेबल है। ये ब्रेड कैसी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्रेड किस तरीके की है, जब मैंने इस पैकेट को खोला तो ये इस तरीके की ब्रेड निकली है, ठीक है। इसकी खास बात देखो क्या है, पहली चीज तो इसमें मुझे अलग से गार्लिक लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात इसकी खास बात यह है कि ये आप देख रहे हो काफी चौड़ी ब्रेड है, तो इसमें क्या होगा कि मैं बटर जिस तरफ लगाना चाहूंगा बटर उस तरफ ही रहेगा, नेक्स्ट दूसरी तरफ हमारा बटर नहीं जाएगा। ये इसकी खास बात है गार्लिक ब्रेड की। एल्स अगर आपको ये नहीं मिलती है मार्केट में तो आप नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हो इस तरीके की, ये नॉर्मल स्लाइस भी। लेकिन जब भी आप नॉर्मल स्लाइस लो तो आपको ध्यान रखना है ये थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी तरफ यहां पर मैंने बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया लिया हुआ है। ये मेरे पास मोज़रेला चीज है, ये इजिली मार्केट में अवेलेबल होती है, आप पिज्जा चीज भी बोल सकते हो, मार्केट में आपको मिल जाएगी। यहां पर मैंने अमूल का बटर लिया हुआ है और थोड़ी सी काली मिर्च का मैं यहां पर यूज करूंगा। ये ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च पाउडर इसको बोलते हैं, तो इसका मैं बहुत ही कम सा यूज करूंगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप बस 5 मिनट में डोमिनोज और पिज्जा हट जैसी गार्लिक ब्रेड तैयार कर लोगे। तो गाइस, अब हम इन चारों ब्रेड्स पे बटर लगाएंगे। तो गाइस, हमारा गार्लिक ब्रेड पे बटर लग चुका है और अब मैं इस पे चीज डालूंगा। अब मैं इस पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगा, आपको इस तरीके से इसके ऊपर ब्लैक पेपर डालना है थोड़ा सा। ध्यान रहे गाइस, मैंने यहां पर गार्लिक इसलिए नहीं डाला हुआ है इसमें क्योंकि मैंने गार्लिक ब्रेड यूज करी है। अगर आप यहां पर गार्लिक ब्रेड यूज नहीं करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा गार्लिक यूज करना पड़ेगा बटर के साथ। आपको गार्लिक को चॉप कर लेना है और आपको बटर के साथ उसी पर लगा देना है जैसे सबसे पहले मैंने लगा दिया था। इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पर धनिया यूज करूंगा, ये मैंने धनिया इसमें डाल दिया और अब हमारे गार्लिक ब्रेड रेडी है कुक होने के लिए। सो गाइस, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पैन लेना है और मैंने ये पैन ले लिया है। पैन के ऊपर मैं फॉइल पेपर लगाकर इसको सेट कर दूंगा। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं फॉइल पेपर का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो गार्लिक ब्रेड है ये नीचे से मेरी ये जले ना, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसे मेंटेन कर सकते हो तो आप नॉर्मली भी इसे रख सकते हो, लेकिन आप फॉइल पेपर लगा लोगे तो ये जलेगा नहीं। अब इसको मैं यहां पर सेट कर देता हूं। ये बटर मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो हमारी गार्लिक ब्रेड है वो नीचे से भी हमारी थोड़ी सी बटर के टच में रहे, उसमें बटर का थोड़ा सा एसेंस आ जाए, फ्लेवर भी रहे। बस आपको इस तरीके से इसमें बटर लगा लेना है, ओके। बस इतना बटर इनफ होगा। इसके बाद मैं इन ब्रेड्स को इसमें सेट कर दूंगा इस तरीके से प्रॉपरली। ये हमारी चारों ब्रेड यहां पर सेट हो चुकी हैं। अब ये जाएगा कुक होने के लिए। सो गाइस, गार्लिक ब्रेड हमारी सेट हो चुकी है इस पैन में। अब इसको मैं रखूंगा गैस के ऊपर। गैस यहां पर मैंने ऑन कर ली है, लेकिन मैं इसे लो फ्लेम पे करके ही इस पर रखूंगा। देखो ध्यान से आपको देखना है, ये मैंने लो फ्लेम कर दी, अब इसको मैंने यहां पर रख दिया है इसके ऊपर और इसको मैं इस तरीके से ढक दूंगा। आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखना है ताकि ये नीचे से आपका जले ना। आपको ये 3 से 4 मिनट तक इस पर रखना है, ठीक है, जब तक हमारा चीज मेल्ट नहीं हो जाता। ये जितना ही चारों तरफ से पूरा इसको टेम्परेचर मिलेगा उतना ही ये एब्जॉर्ब करेगा पूरा बटर जितना मैंने लगाया है, नीचे भी लगा हुआ है फॉइल पेपर पे, और जितना ही चीज ऊपर लगा हुआ है वो सारा चीज सेट हो जाएगा जितना इसको टेम्परेचर मिलेगा, ओके। तो इसको अब हम गर्म होने देते हैं, 3 से 4 मिनट तक इसको हमें ऐसे ही रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। सो गाइस, यहां पर अभी क्या है कि 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और चीज हमारा पूरा मेल्ट हो चुका है। मैं यहां पर आपको खोल के दिखा देता हूं ये ढक्कन, यहां पर जैसे ही इसे मैं खोल के देखता हूं तो ये देखो आप इस तरीके से ये हमारा यहां पर आप देख रहे हो कि ये चीज हमारा पूरा मेल्ट हो चुका है। अब ये गैस को मैं यहां पर बंद कर देता हूं, गैस मैंने यहां पर बंद कर दी है। अब इसको मैं सर्व कर लूंगा आराम से प्लेट में। ये हमारा प्लेट में आने के लिए बिल्कुल गार्लिक ब्रेड रेडी है हमारी।
सो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा गार्लिक ब्रेड कैसा पूरी तरीके से चीज हमारी मेल्ट हो चुकी है, जितना भी हमारा बटर था वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है गार्लिक ब्रेड में। अब एट लास्ट मैं यहाँ पर ऑरिगेनो बस थोड़ा सा यूज करूंगा, ये ऑरिगेनो वही है पिज्जा वाला ऑरिगेनो, बस यहाँ पर मैंने ऑरिगेनो डाल दिया है। अब ये गार्लिक ब्रेड हमारे प्लेट में आने के लिए बिल्कुल रेडी है, इनको मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ प्लेट में वन बाय वन।